हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सबको देखने को मिलेगा घर पे मोजरेला चीज़ कैसे बनाएं और साथ में ब्रेड पिज्ज़ा, जो बनाना बहुत ही आसान है और खाने में उतना ही टेस्टी। लेकिन आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन यानी घंटी को बजा दीजिए ताकि हर नई रेसिपी आप तक पहुँच जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं ब्रेड पिज्ज़ा और मोजरेला चीज़ और देखते हैं कैसे बनता है। मोजरेला चीज़ बनाने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं 1 लीटर फुल क्रीम दूध और इसे किसी बड़े बर्तन में डाल लेंगे। अब दूध को बड़े बर्तन में डाल ली हूँ और इसे भी गर्म करना है और पानी को भी गर्म करना है। तो यहाँ पे मैं दूध को गैस जला के रख दी हूँ गर्म होने के लिए और इसे चलाते रहेंगे और चेक करते रहेंगे। दूध को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, सिर्फ गुनगुना ही गर्म करना है और इसे बार बार चेक करते रहेंगे कि दूध गर्म हुआ कि नहीं हुआ। तो इसी तरह हिलाते रहेंगे और चेक करते रहेंगे। तो यहाँ पे मैं एक बार और चेक कर लेती हूँ, दूध अभी गर्म नहीं हुआ है और यहाँ पे एक बार और, तो यहाँ पे गर्म हो चुका है दूध। अब इसे नीचे उतार लेंगे और पानी को रख देंगे गर्म होने के लिए। तो गैस पे पानी भी रख दी हूँ गर्म होने के लिए। पानी भी हल्का गुनगुना ही चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए। जब हल्का गर्म हो जाए तो गैस को कर देंगे बंद और पानी को उतार लेंगे नीचे। तो सबसे पहले ले लेते हैं दूध को फाड़ने के लिए 4 चम्मच विनेगर। यहाँ पे नींबू का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि नींबू का इस्तेमाल पनीर फाड़ने के काम में आता है। तो यहाँ पे मैं 4 चम्मच विनेगर ले ली हूँ और इसी में डाल देती हूँ 1/2 कप पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब दूध में थोड़ा थोड़ा करके विनेगर डालते जाएंगे और इसे हल्के हाथों से चलाते रहेंगे और 1 चम्मच और डालते हैं और इसे चलाते रहेंगे एक ही डायरेक्शन में। इसी तरह चलाते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा विनेगर डालते रहेंगे जब तक दूध अच्छे से फट ना जाए। तो अभी आप देख सकते हो कि दूध अभी फटी नहीं है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा विनेगर और डालते जाएंगे। अगर 4 चम्मच विनेगर डाल दिए हैं और फटा नहीं है तो हम और भी विनेगर ले सकते हैं क्योंकि दूध की क्वांटिटी के हिसाब से विनेगर और भी लग सकते हैं। तो इसे ऐसे ही हिलाते रहेंगे और विनेगर को डालते रहेंगे जब तक कि दूध फट ना जाए। तो आप देख सकते हो कि दूध अभी फटी नहीं है, तो यहाँ पे 1 चम्मच और एक्स्ट्रा विनेगर ली हूँ, यानी टोटल 5 चम्मच विनेगर हो गए। अब इसे हल्के हाथों से चलाते रहेंगे कि जब तक दूध फट ना जाए अच्छे से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हल्की हल्की दूध फटने लगी है और ये देखिए ये अच्छे से फट गई है। लेकिन हल्के हाथों से एक ही डायरेक्शन में इसे घुमाते रहेंगे तो आप देख सकते हैं कि दूध कितने अच्छे से फट चुका है। अब इसे छान लेंगे। तो अब एक छन्नी ले लेंगे और दूध को अच्छे से छान लेंगे। आप कपड़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई सा भी कॉटन ले लीजिए, उसमें छान लीजिए और पानी अच्छे से निचोड़ जाएगा कॉटन में, लेकिन मैं यहाँ पे छन्नी में छान रही हूँ। अब 1 चम्मच की सहायता से इसे थोड़ा ऊपर नीचे कर देंगे तो पानी निकल जाएगा आराम से। अब चीज़ को चम्मच की सहायता से अलट पलट कर देंगे तो पानी अच्छे से निकल जाएगा और इसे थोड़ी देर छोड़ देंगे तो पानी अपने आप निकल जाएगा।
अब मैं इसके पानी के बारे में बताती हूँ। इस पानी को फेंके नहीं, इसे आप अपने काम में ला सकते हैं, आटा गूंथ सकते हैं या तो दोबारा पनीर फाड़ने के काम में ला सकते हैं। अगर इसे लंबे समय तक स्टोर करना है तो इसके आइस क्यूब बना के आप रख लीजिए फ्रीजर में और जब चाहे जब काम में ला सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि चीज़ में से पानी अच्छे से निकल गया है और जो भी है इसे दबा दबा के निकाल लेंगे पानी को। तो यहाँ पे आती है गरम पानी का काम। तो ये देखिए जो पानी गरम की थी वो ले लेती हूँ और चीज़ को हाथों में दबा दबा के पानी निकालेंगे सबसे पहले। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हाथों से दबा दबा के मैंने इतना सारा पानी निकाल ली हूँ। अब इसे गरम पानी में डालूँगी और इसे 5 से 7 बार ऐसे ही करेंगे, हाथों से दबाएंगे फिर पानी में डालेंगे, दबाएंगे फिर पानी में डालेंगे। ये प्रक्रिया 7 से 8 बार करनी है। जब भी चीज़ को हम गर्म पानी में डालते हैं तो थोड़ी सी रबड़ जैसी बन जाती है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे दूसरी बाउल में फ्रीज का चिल्ड पानी यानी ठंडा पानी ले लेंगे और उसमें अब डाल के फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे जो गर्म पानी में किए थे। तो इसे भी हाथों से मसल मसल के और पानी निकालते रहेंगे और ठंडे पानी में डालते रहेंगे 7 से 8 बार। तो इसी तरह 7 से 8 बार ठंडे पानी में भी कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ठंडे पानी में भी मैंने 7 से 8 बार कर चुकी हूँ और ये पनीर को देखिए कितना लचीला बन गया है। अब इसे हाथों से सर्कल करते हुए एक बॉल सा बना लेंगे और किसी भी पॉलीथीन में इसे अच्छे से फोल्ड करके रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे 4 से 5 घंटे हो चुके हैं और यहाँ पे मैं निकाल ली हूँ चीज़ को और देख लेते हैं कैसा बना है चीज़। तो ये देखिए चीज़ लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट जैसा। तो अब मैं इसे आपको ग्रेट करके दिखा रही हूँ ये कैसा बना है। तो इसे आप ग्रेट कर लेंगे यानी कद्दूकस कर लेंगे। तो ये देखिए चीज़ को मैंने ग्रेट कर लिया है और लग रहा है ना एकदम मार्केट जैसा। तो आप भी ऐसे चीज़ को घर पे बना सकते हैं इजीली और पिज्ज़ा बना के खा सकते हैं आराम से घर पे, कोई टेंशन की बात नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको ब्रेड पिज्ज़ा बना के दिखाऊंगी कि हमारा चीज़ कैसा बना है। तो यहाँ पे मैं 2 स्लाइस ले ली हूँ ब्रेड स्लाइस और इसी पे बनाऊंगी पिज्ज़ा। पिज्ज़ा बनाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स बारीक काट के रखी हूँ। तो आप देख सकते हो कि टमाटर को बारीक काट ली हूँ, थोड़ा प्याज है, थोड़ी सी अजवाइन के पत्ते हैं, थोड़ी सी हरी मिर्च है। अगर आप हरी मिर्च नहीं खाते हैं तो उसे स्किप कर दीजिए, नहीं डालें। और इसमें मैं डाल दे रही हूँ थोड़ी सी नमक। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी कि नमक अच्छे से सारे सब्जियों में मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे मैं सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर ली हूँ और ये देखिए मैं ली हूँ टोमेटो केचप। अब इसे मैं ब्रेड पे लगा लूँगी अच्छे से चारों साइड में। सॉस को अच्छे से मैं लगा ली हूँ ब्रेड पे और इसी के ऊपर डाल दूँगी बारीक कटे हुए वेजिटेबल्स अच्छे से। वेजिटेबल्स को अच्छे से मैं लगा दी हूँ ब्रेड पे और इसके ऊपर चीज़ लगा रही हूँ। इतनी गर्मी है कि चीज़ थोड़ी सी मेल्ट हो गई है और इसे थोड़ा थोड़ा करके लगा देंगे ब्रेड पे। तो यहाँ पे चीज़ को भी अच्छे से लगा दिया है ब्रेड पे। अब थोड़ी सी नमक डाल लेती हूँ, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी पिज्ज़ा सीजनिंग। ये सब पिज्ज़ा की जान होती है तो ये सब ज़रूर डालिए और पिज्ज़ा इसी से बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से लगा दी हूँ
यहाँ पे मैं तवे को रखती हूँ गरम होने के लिए पहले से ही। अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 चम्मच बटर। तवा बहुत गरम है तो गैस को कर देंगे बंद। और अब पिज्ज़ा स्लाइस को डाल देंगे बटर के ऊपर और इसे कवर करके छोड़ देंगे 1 मिनट के लिए, ताकि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए और पिज्ज़ा नीचे से थोड़ी क्रिस्पी बन जाए। तो यहाँ पे 1 मिनट हो चुके हैं और पिज्ज़ा को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए ये चीज़ कितनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब इसे निकाल लेंगे किसी प्लेट में। तो इसी तरह दूसरी भी पिज्ज़ा बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बटर डाल दी हूँ और इसे अच्छे से मेल्ट होने देते हैं और इसी के ऊपर रख देंगे ब्रेड पिज्ज़ा और इसे कवर करके छोड़ देंगे 1 मिनट के लिए, जब तक दूसरी पिज्ज़ा बन के रेडी होगा। उससे पहले मैं पहले वाले पिज्ज़े को काट के दिखाती हूँ कि कितना बढ़िया और क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है पिज्ज़ा। तो ये देखिए कितना बढ़िया और लाजवाब बनके एकदम मार्केट जैसी पिज्ज़ा बनके तैयार है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे दूसरी पिज्ज़ा भी बनके रेडी है और इसे भी निकाल लेते हैं और प्लेटिंग कर लेते हैं। तो देखे ना कितना बढ़िया और टेस्टी पिज्ज़ा बनके तैयार है। आ रहा है ना मुँह में पानी। तो इसी तरह आप भी घर पे चीज़ इजीली बना सकते हैं और पिज्ज़ा को एंजॉय कर सकते हैं, अपने पार्टी या किसी त्यौहार पे एंजॉय कर सकते हैं। तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि चीज़ से लेकर ब्रेड पिज़्ज़ा आप सबको कैसा लगा, कमेंट में बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।